हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। अभी हम हैं हर्षिल के रास्ते में, ठीक है, और हम मनेरी में रुके हुए थे कल रात को, ठीक है, और अभी जा रहे हैं हम हर्षिल की ओर। मैं ऑलमोस्ट कहाँ पर आऊँ, पूरा ये मनेरी से हर्षिल यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर लगभग रह गया है, ठीक है। ये गंगोत्री गोमुख से आती है, गंगा है, और ये पूरा एरिया जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है बिल्कुल, और ऊपर इनके बर्फ़ भी है कहीं पे। मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ठंड हो रही है, ठीक है। तो मैं आज दिखाता हूँ आपको हर्षिल की पूरी वीडियो, और जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सारी दिखाता हूँ। फिलहाल तो मुझे ठंड लग रही है, तो आप करिए वीडियो को इन्जॉय और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम पहुँचे हैं सुक्की टॉप में, ठीक है, और जो पुल से बनाया था वहाँ से 24 किलोमीटर था, यहाँ से 15 किलोमीटर और है हर्षिल। अभी पहुँचे हम सुक्की, ठीक है, और यहाँ से हर्षिल है 12-13 किलोमीटर लगभग। ऊपर पहाड़ हैं, सामने बर्फीले पहाड़, और यहाँ पे कस्बा सा है, ठीक है। रहने की व्यवस्था होटल वगैरह, थोड़ा बहुत होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। ये नदी है सामने और चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़, छोटा सा कस्बा है, यहाँ रहने के लिए आपको मिल जाएगा। गाइस, सुखी टॉप के बाद आता है झाला, ठीक है। यहाँ पे भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं अवेलेबल, यहाँ पे भी आप रह सकते हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी है अवेलेबल। अब हर्षिल रह गया सिर्फ 5 किलोमीटर यहाँ से। तो भैया, हम पहुंच चुके हैं हर्षिल। हर्षिल एक छोटा सा गांव है जो कि स्वर्ग से कम नहीं है, ठीक है। चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं और छोटा सा शहर है। यहाँ पे होटल का थोड़ा जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब 2000 से अबव नॉर्मली, ठीक है। तो कोशिश करें, इसके आसपास थराली है 2 किलोमीटर आगे, चाहे वहाँ रह लें चाहे पीछे रह लें, यहाँ पे थोड़ा होटल कम है तो कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, और ऐसे कुछ अलग से देखने का नहीं है। यहाँ से ट्रैकिंग के पहाड़ हैं, यहाँ पे ऊपर टॉप बताया था, ये टॉप यहाँ से दिखता है, और कुछ गांव यहाँ पे हैं, और यहाँ से गंगोत्री वाली जो मूर्ति है वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर शायद आगे अभी वहाँ पे रहती है। गंगोत्री अभी खुला नहीं है, उसके कपाट खुले नहीं हुए, तो एक वो ऑप्शन है। और एक गांव है और एक टॉप है ऊपर, और चारों तरफ बर्फ़ से पहाड़ है, भरे हुए पहाड़ है। तो आपको पीस पसंद है, शांति पसंद है, नेचर पसंद है, तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये है मुकबा, यहाँ पे माँ की मूर्ति रहती है, गंगोत्री हरिद्वार धाम में उनकी मूर्ति यहाँ पे रहती है। गाइस, जब हर्षिल से मुखवा की ओर जाते हैं हम, तो ये रास्ते पे वाटरफॉल पड़ता है, अल्टीमेट वाटरफॉल। मतलब अभी गर्मी का मौसम है ऑलमोस्ट, ठीक है, और इस टाइम पे इतना पानी आ रहा है, सारा बर्फ़ पिघल के ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बरसात होती है इतनी होगी, कितना सारा वाटरफॉल कितना ख़तरनाक रहता होगा, है ना।
तो भैया अभी हम आ चुके हैं धराली में, जो कि हर्षिल से 2 किलोमीटर है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो होटल हैं वो आपको मिलेंगे 2000 प्लस में, और यहाँ पे जो हैं आप बार्गेनिंग कर सकते हैं 500 2000 में आपको आराम से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ का माइनस पॉइंट, यहाँ पे पानी अभी ऐसे अवेलेबल नहीं होने को, सामने गंगा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, लेकिन पानी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी इतनी होती है कि वो जो पाइपलाइन है सब ख़राब हुए हैं बोल रहे हैं। और कहीं भी इसी धराली में, कहीं भी होटल में पानी नहीं मिलेगा, ये मैनुअली ऐसे ऐसे ला के पानी रख देते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बट वहाँ पे पानी अवेलेबल है, बट सबसे प्रॉब्लम है कि आपको अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। नेटवर्क यहाँ पे नहीं आ रहा है, सिर्फ धराली में जियो चलता है। अगर आप आ रहे हैं तो जियो का नेटवर्क आपके पास होना ज़रूरी है, और BSNL भी चलता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, अभी नहीं है लाइट, वो बता रहे थे कि शाम तक आ जाएगी, मतलब प्रॉब्लम रहती है। तो पावर बैंक वगैरह और इस तरह का आप वीडियोस वगैरह के लिए आते हैं या फिर किसी भी तरह के लिए, फ़ोन के लिए भी तो चार्ज होना चाहिए फ़ोन में, उसके अलावा पावर बैंक वगैरह आप रख सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। ये होटल का प्यारा सा व्यू है, सामने गंगा जी बह रही हैं, और ये जो बागान देख रहे हो आप, ये सारे सेब के हैं, सेब खूब सारा होता है, ढेर सारा होता है, ठीक है। और यहाँ हम अभी गए थे, गंगोत्री वाला मूर्ति वो यहाँ पे रहती हैं। मैं खा रहा हूँ दाल चावल, और वो लेकर रहे हैं पराठा, आलू प्याज का पराठा। अभी हम जा रहे हैं ट्रैक पे थराली से, जो कि 2.5-3 किलोमीटर चढ़ाई में बोला है, बट लेट्स सी कितना होता है, देखते हैं। अभी तो हम लगभग आधा किलोमीटर चल गए हैं। नीचे सीमेंट का रास्ता था, लेकिन अभी सारा पत्थर वाला रास्ता है, और इस तरह के देवदार के पेड़ हैं जब हम सत्तल की ओर जाते हैं। तो भैया बहुत लगभग 1 किलोमीटर चल गए हैं, थकान लगी बहुत ज़्यादा, चढ़ाई पूरी सीधी चढ़ाई, बर्फ़ भी देखने को मिल रही है हमें। हाँ, बट ये थोड़ी पुरानी है, ये धूप नहीं पड़ती हुई ज़्यादा यहाँ पे, तो अभी रुकी हुई बर्फ़। लगभग 2 किलोमीटर चल गए होंगे हम चढ़ाई में, और यहाँ खेती बाड़ी भी कुछ दिख रही है, सेब के पेड़ छोटे छोटे लगा रखे हैं, और बर्फ़ भी दिख रही है यहाँ खूब सारी, हमें वो सारी बर्फ़ है। अभी हम हैं सातताल के रास्ते में, और सातताल कुछ ही दूरी पे है अब यहाँ से। अभी बताया लोकल यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने बताया एक तालाब है यहाँ पे सातताल के नीचे, बहुत बेहतरीन सा, और मुझे लगता है गहरा ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा गहरा, और इसको थोड़ा साफ सूफ करने के, ये जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ पिघल के आ रही है और वही ये पानी है ना, तो इसको थोड़ा रोक रखा है यहाँ पे, और थोड़ा गंदा भी हो रहा है, उसको साफ़ सफाई करने वन विभाग के अंडर शायद ये आता है, और मृदुंगा ताल नाम इसको दिया हुआ है वन विभाग ने, जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा बर्फ़ आप देख रहे हो, इतने पास में आए हम, इतने ऊँची पहाड़ में आए कि बर्फ़ खूब सारी, ढेर सारी बर्फ़ है यहाँ पे। तो भैया अब तो हिम्मत से हारने लगे हैं, अभी मृदुल ताल आया था थोड़ी देर पहले आधा किलोमीटर नीचे, और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हूँ, आधा नहीं 1 किलोमीटर होगा, तो अब हिम्मत से हार रहे हैं, लेकिन क्या करें, बोले चले चलते हैं। 7 ताल तो पहुँचे, लेकिन ये सूखा काम चल रहा है यहाँ पे, तो वो पानी जो है अलग साइड से निकाल दिया है, और मुझे लगता है जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो यहीं पे रह रहे हैं, यहाँ पे रहने का इन्हें बना रखा है। दो प्यारे से बच्चे मिले हैं मैं 7 ताल पे। तुम्हारा नाम क्या है पहले बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सूरी। और तुम्हारा? सपना। तो भैया एक और तालाब मिली है यहाँ पे, लेकिन जितना एक्सपेक्ट करते पानी भरा होगा वो भी नहीं है। चलो भैया जैसे सारे ताल मिल ले वैसे एक और ताल मिल गया, उम्मीद थी कि कितना पानी है यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन इतना ऐसा है कुछ, ड्रोन वोन वगैरह होगा तो शॉट अच्छा आ जाता है यहाँ से, ऐसा मुझे लग रहा है। और खैर बर्फ़ में खेल सकते हैं अभी हम, बर्फ़ अगर देखोगे तो खूब सारी बर्फ़ है यहाँ पे। तो भैया इतना ही स्टॉप में जा सकते थे फाइनली, इससे ज़्यादा हिम्मत तो नहीं है, ऊपर लग भी नहीं रहेगी कहीं प्लेन होगा। तो भैया ये बर्फ़ है, और इसी का लीजिए आनंद, ठीक है। खूब सारी ऊपर पहाड़ तक बर्फ़ ही बर्फ़ भरी पड़ी है खूब सारी। Oh,
बाय सपना, चल सूरज भाई, भाई तू कर दो, फिर मिलेंगे, हाँ फिर आएंगे तो फिर मिलेंगे, ठीक है फिर तो। जैसे पहले ही मैंने बताया कि यहाँ के लोग ना नॉर्मली उत्तरकाशी चले जाते हैं और इस तरह के घर ये है बंद करके चले जाते हैं, ताला वाला लगा के सारे घर जो दिख रहे हैं इस तरह के बंद रख रहे हैं। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग जा रहे हैं या फिर फैमिली में कुछ एक दो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे सारे घर इस तरह के यहीं पर बने हुए, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, लकड़ी का ज़्यादा यूज हुआ है और वो लोग इस टाइम पे गर्मियों में फिर मई में आने लगते हैं, 3 मई से शायद केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं तो आ जाएंगे उस टाइम पे और सेब का जो काम है वो भी वो सारा करेंगे, ठीक है। तो भैया ट्रैकिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और सच कहूँ तो मिला जुला एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। यहाँ से गए हम 4 किलोमीटर में, कोई लगा वो 3.5-4 किलोमीटर के करीब लगा और खड़ी चढ़ाई है। तो मेन चीज़ है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखें, प्रैक्टिस होनी चाहिए चलने की, क्योंकि खड़ी चढ़ाई जाते वक्त हमको लगभग 1.5 से 1.5 घंटा लगा और आते वक्त ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, यहाँ से 10 मिनट शायद और लगेगा, राउंड जाते वक्त लगभग 1.25 घंटे लग रहा है, जबकि मैं पहाड़ से हूँ ऑफकोर्स उत्तराखंड से हूँ, तो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस मतलब एक होता है ना एक्चुअली में, तो थोड़ा बहुत शायद उसके उससे मदद मिली हो, तो भाई जो है उनको भी आदत ही है, वो भी उत्तराखंड से, तो इतने टाइम में कवर किया, तो आपने इन्जॉय की होगी वीडियो, अगर इन्जॉय की तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर एन्जॉइंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे, माय टेक केयर।